हमें ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मुसलमान ही खुश हो सकते हैं, कुफार हो ही नहीं सकते, है ना। हमें लगता है यार बस काफिर जहन्नम में जाएगा तो वो कभी खुश नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। देखें हकीकत ये है कि जो कामिल अकमल और अच्छी जो सही मानों में जो खुशी है वो मोमिन को मिलती है, लाशक उसमें। मन कान फी हाजत अखी कान अल्लाह फी हाजत। अच्छे सलूक कैसे करेगा, मुख्तलिफ है, माशाल्लाह देयर आर ओशन ऑफ नॉलेज बिहाइंड दिस। बाय हेल्पिंग, बाय गुड वर्ड्स, बाय जस्ट स्माइलिंग। या आपको क्या लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कोई तकालीफ नहीं थी? हाँ, हिज लाइफ वॉज ईजी। द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ इन द ह्यूमन हिस्ट्री इज द लाइफ ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحصر. اللهم بك أصول وبك أجول ولا حول لي ولا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم. क्या हाल है आप सबका? ठीक है माशाल्लाह, अहलन व सहलन, आलू का सालन है। और दूसरी बात ये है, अल्लाह ताला हमें अपने तारुफ में तारीफ से बचाए। और ये कहना कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए लायक है। तो अल्लाह ताला हमें बचाए कि हम अपने आप को उस लेवल का समझते हो, हम अल्लाह के फ़कीर बंदे हैं। तो आज है जनाब मौजू, माशाल्लाह, खुशगवार ज़िंदगी। आप सब आए हैं इधर, मैं नहीं चाहता कि ये एक टिपिकल ट्रेडिशनल माशाल्लाह वो बने, मैं चाहता हूँ इंटरेक्टिव सेशन हो, गपशप हो, हंसी मजाक हो। तो आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए इधर, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। यानी व्हाट डू यू थिंक कि यार क्या मिलेगा इधर? माशाल्लाह बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, हाँ, या क्या मिलेगा? अल्लाह की बात। और ख़वातीन में से कोई कहना चाहे, किस लिए आए हैं आप इधर माशाल्लाह, खुशगवार ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है, और कोशिश ही एक अंदाज़ में ख़ुशी का ज़रिया है। तो इंशाल्लाह बात करते हैं हम अपने इस मौजू पे। लेकिन शुरू में मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और आप लोग का भी, उसके बाद क्या आप लोग तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह ताला हमारा इधर आना जाना अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएँ। देखें जो इंसान है ना, जो भी इस दुनिया में आता है, वो यही सोचता है यार कैसे मैं ख़ुशी पाऊँ, कैसे मैं ज़िंदगी गुजारूँ, ज़िंदगी में तकालीफ है, सैडनेस है, हाँ। और आजकल जैसे आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा यानी लोगों के अंदर कश्मकश है, यानी द बिगेस्ट वार इज़ इनसाइड। सबसे बड़ी जो जंग आजकल चल रही है वो बाहर की दुनिया में नहीं है, सबसे ज़्यादा नफ्स के अंदर, इंसान के दिल के अंदर वर्ल्ड वार 3 चल रही है। कभी ये करना है, कभी नहीं करना, कभी परेशान है, खुशी भी है तो उसके लम्हात को वो जी नहीं पाता, है ना। तो हर इंसान, आप ये ना समझे कि ये सिर्फ मुसलमान ही, बल्कि जिनको हम कुफार समझते हैं वो भी खुशी के पीछे भागते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुशी को कौन पाता है और कौन नहीं पाता, हाँ। और देखें खुशी पाने के कई असबाब और रीज़न्स होते हैं, और ख़ुशी पाना सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस रीज़न नहीं होता। हमने क्योंकि माशाल्लाह हम मौलवी लोग हैं, हम हर चीज़ में माशाल्लाह अपना इस्लामी टच और तड़का लगाते हैं, अच्छी बात है, मौलवियों को कुछ नहीं कहना चाहिए, मैं भी मौलवी हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शरफ है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन ये है कि मसलन कुछ रीज़न्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल रीज़न्स हैं, जिससे हैप्पीनेस का उसूल होता है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात होंगे। कुछ हैप्पीनेस के रीजंस होते हैं जो नेचुरल रीजंस, थर्ड होते हैं रिलीजियस रीजंस, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो मैं वर्कशॉप करा रहा हूँ, दरअसल इसकी जो बेस और बुनियाद है ना, वो बड़े आलिम दीन हैं, शेख अब्दुर्रहमान अस्सादी,
उनकी तफसीर भी मारूफ है, तफसीर उस्सादी, शेख इब्ने उसैमीन बिन बाज जो किबार अरब के उलमा उनके उस असातिज़ा में से, वो एक बार बीमार हुए और बेरूत, अगर आप लोगों को पता हो बेरूत का, ये लुबनान का शहर है, उधर उन्होंने एक किताब पढ़ी ये डेल कार्नेजी की, हाँ उसमें लिखा था कि ये जो सैडनेस और वरीनेस है इसको कैसे हटाए, उन्होंने वो पढ़ी, वो बड़े मुतासर हुए और उन्होंने कहा कि ये सारी बातें तो यार हमारे भी यानी इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक लिटरेचर और इस्लामिक उसमें भी मौजूद है। तो उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम है अल वसाइल अल मुफीदा लिल हयात सईदा। सो दिस बुक इज़ बेस ऑफ दिस वर्कशॉप, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं, और इसका इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है मुख्तलिफ। सबसे पहला सवाल ये होता है कि फर्स्ट थिंग मी, आप ये ना सोचिएगा कि यार अगर मैं खुशी के बारे में बात करूँ तो मैं सबसे बड़ा खुश, हाँ अल्लाह मौलवी सैफुल्ला साहब तुसी ते माशाल्लाह, ऐसा नहीं है। हर किसी के ज़िंदगी में कश्मकश होते हैं, और आप भी, आप में से जो भी इधर हैं, ज़ाहिरन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको तमानीनत सुकून दें, लेकिन ला शक एवरी वन फ्राम हियर, हर कोई, दे आर फेसिंग स्ट्रगल्स, दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे मुश्किलात, रिकावटें ज़िंदगी के नशेब व फराज से वो गुज़र रहे हैं, ठीक है, कोई भी मुबर्रा नहीं है इस चीज़ से। और तीसरी बात ये है कि ये जो मजलिस है ये तज़कीर है, दिस इज़ आ रिमाइंडर फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो, दैट डजेंट मीन के यार मैं अपने गरेबान में नहीं जाऊँगा, सबको मैं इधर क्लास लगा रहा हूँ और अपने आप को माशाल्लाह, नहीं ऐसा नहीं, हम सब इसमें बराबर के शरीक हैं। और चौथी बात, जो भी बात हो रही है आपने अभी से ये नियत करें कि इंशाल्लाह मैं सबसे पहले जो ये जो टारगेट ऑडियंस आप खुद हैं, सो डोंट थिंक यार आई विल गो एंड प्रीच अदर्स, मैं जाके दूसरों को एडवाइस करनी, फर्स्ट तब्दीली की नियत करें आप, अपने आप को बदलने की नियत, कि इंशाल्लाह जो आज हम बातें करेंगे मोस्ट ऑफ देम आर प्रैक्टिकल टिप्स, थ्योरिटिकल डिस्कशन माशाल्लाह वी आर फुल ऑफ दैट, हाँ इसीलिए हम मोटे हो गए थ्योरिटिकल बातें कर करके, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं खासकर इन चीज़ों के मामलात में, ठीक है ना। और आखिरी चीज़ है कि इनफरादी कोशिश, हम लोगों ने वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, ठीक है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि यार हम यानी एकदम माशाल्लाह सीधे हो जाएंगे, ऐसा ज़िंदगी लग जाती है, बंदा मर रहा होता है वो सौ भी सोचा होता है मैं अपनी कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ, दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अब पहला सवाल पैदा होता है व्हाट इज़ हैप्पीनेस, आप लोग बताएं, आप में से ख़वातीन में से या आप में से कोई, हैप्पीनेस या खुशी का क्या मतलब है? हाँ डॉक्टर साहब, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हाँ और इट्स अ फीलिंग, जस्ट अ फीलिंग, और जी ख़वातीन, ख़वातीन में से कोई बताए, आए जब सब कुछ अच्छा लग रहा हो, अल्लाह अकबर, क्या हो, पीस, इनर पीस या आउट पीस, बहुत, और बाहर वाली पीस उस वक्त नहीं आती जब तक अंदर बंदा खुश ना हो, ठीक है। तो देखें देर आर लॉट ऑफ यानी फिलोसफर्स, हाँ स्कॉलर्स और मुख्तलिफ लोगों ने जो खुशी है या सआदतमंदी है इसके बहुत सारे डेफिनेशंस, डिटेल्स, किताबें भर दी हैं, लेकिन देखें जैसे कि बाज़ कहते हैं खुशी ना मुख्तलिफ चीज़ों से आती है इंसान को, और इंसान के माइंडसेट पे भी उसका असर होता है, और दीनी खुशी, दुनियावी खुशी, आखिरती खुशी, या जैसे अभी इन्होंने कहा कि इनर पीस आउट पीस, तो अल असाद अल जुवानिया अल बर्रानिया, जुवानी का मतलब जुआ अरबी में जैसे बोलते हैं अंदर, अंदरूनी सुकून, यानी ये सारे आप कह सकते इन सब में कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ खुशी है। हम ये नहीं कह सकते ओनली देर इज़ ओनली वन एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस, देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, जितने आप उन असबाब को इख्तियार करेंगे उतने आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ेगा या घटेगा। अब वो हम आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह कि क्या वो रीजंस या असबाब या मींस हैं टू गेन द खुशी, ठीक है ना। अब मैं अभी एक और बात है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार खुशी पैसा है ना,
पैसा है, दुनिया है, DHA में एक कनाल का घर हो, हाँ, प्राडो हो, फॉर्चूनर हो, नौकर हो, चाकर हो, ड्राइवर हो, कुछ समझते ये खुशी है, कुछ समझते हैं यार सऊदीया चले जाऊं, अल्लाह उधर से रियाल कमाऊं। आजकल क्रिप्टो और ट्रेडिंग का ज़माना है, हाँ, वो बोलते हैं उधर ब्लैक चेन बाइनेंस से उधर कुछ आ जाए। नौजवान फ्रीलांसर वो बोलते हैं यार guru.com से कुछ पैसे मिल जाए, फाइवर से कुछ पैसे मिल जाए, डॉलर कमाऊं, है ना। ये वो समझते हैं कि यार ये खुशी है। अब मेरा आप लोगों से दो सवाल है, यू हैव टू ऑप्शंस, एवरीथिंग एक्सेप्ट हैप्पीनेस, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड हैप्पीनेस, हाँ, क्या चूज करेंगे आप? सेकंड ऑप्शन, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड हैप्पीनेस, यानी अहम चीजें और खुशी, या सब कुछ बस खुशी ना मिले, पैसा मिल जाए, नौकर चाकर हो, सब कुछ मिल जाए, हाँ। कोई है अकलमंद जो पहले वाला चूज करे? कोई ऐसा नहीं है अकलमंद, असल अकलमंद दूसरा है। इसलिए आप देखते वेस्ट में या हमारे यहां भी, ये याद रखें, हम बिजाती ही पैसा को ये नहीं समझते कि ये नाउजुबिल्ला इट्स अ प्योर ईवल, या पैसा बिल्कुल खालिस गंदी चीज है या बहुत ही अच्छी चीज है। इट्स बेस्ड ऑन यू। ये ऐसे ही जैसे अरबी में कहते हैं ना सैफुन ज़ू हद्दैन, यानी ये तलवार और छुरी की तरह है। इससे आप माशाल्लाह लाल लाल सेब भी काट के खा सकते हो, इससे आप किसी मखलूक को हलाल भी कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह है। तो असल चीज जैसे आप लोगों ने कहा कि क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड खुशी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, दो चीजें हैं, एक चीज है उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक चीज है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आप लोगों को पता है इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? जी सलमान भाई, quality of life I think is a broader spectrum. It includes everything quality of life that impacts. Standard of life is restricted towards monetization. यानी standard of living, मसलन मैं आपको अभी उसकी मिसाल देता हूँ आगे, मसलन standard of living में क्या है? Brands, हाँ, माशाल्लाह मैंने गुची का वो लिया, हाँ, या जे डॉट, या ब्लू, क्या नाम है वो जो ऐनक का, ब्लू रे, क्या कहते हैं यार उसको, रे बैन, या आजकल मेटा की जो आ गई है ऐनक, शोखियां मारना, ओ, या फिर आई हैव अ प्राडो, आई हैव फॉर्चूनर, यू गरीब पुअर बच्चा ये क्या है? ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, व्हाट इज योर स्टैंडर्ड लाइफ, हाँ। और इसी तरह ब्रांड्स, इसी तरह मसलन कंज्यूमिंग मोर लग्जरी लाइफस्टाइल, जैसे आजकल के बच्चे दे ऑलवेज लॉट ऑफ देम बिकॉज दिस इज एज ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये जमाना है कंज्यूमरिज्म का। कंज्यूमरिज्म क्या है? हर चीज खरीदना, आईफोन 1 है, 10 है, 12 है, 13 और 15, 14 और 15 में क्या फर्क है? वो सारे लाइन लगा के खड़े होते हैं और बड़ी खुशी होती है, वो जिसको अभी आईफोन 15 है शो करता है, सी, हर पिक्चर में आईफोन 15 आ रहा है ना। अच्छा जी, इसी तरह डाइनिंग आउट्स, अब ये खवातीन को शायद गुस्सा आ जाए, हाँ, खवातीन से मैं माफी चाहता हूं, यानी बाहर जाके खाना, क्या ये जरूरी है? इज इट नेसेसरी बेसिक नीड ऑफ लाइफ दैट यू हैव टू गो? इधर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट नाम बताओ यार, क्या कहते हो सबसे हाई? एशियन वॉक, मोनाल, अल्लाह, और फिर खाने से पहले रुक के तस्वीर खींचना, इतने का बिल आया हमारा, देखो हम गरीब लोगों ने 40,000 का लिया, है ना। इज इट नेसेसरी? नॉट नेसेसरी, यस इट, इफ यू हैव, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड थिंग, हालांकि मैं खुद भी जा चुका हूं फरीद भाई के साथ, दूसरों के पैसों से खाने में कोई मसला नहीं, ठीक है ना, लेकिन यह है कि मैं ये नहीं कहता कि इट्स हराम, मैं कहता हूँ कभी कभी कोई मसला अगर आपके जेब माशाल्लाह, लेकिन इसको एक कंज्यूमरिज्म, उसको बेचना, दिखावा ओनली फॉर शो ऑफ, ये है क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। यानी आपने अपने एक स्टैंडर्ड, आई एम फ्रॉम अपर एलीट क्लास, आई हैव DHA कार्ड,
हाँ, आई हैव शेप्स कार्ड, हाँ, और क्या है फरीद भाई इधर के, और बड़े बड़े जो फड्डे क्लब शलब है बड़े, आ जिम खाना कार्ड, ओए होए होए, नेक्स्ट लेवल है नहीं। अब है ना, एक बंदे के पास है कोई मसला नहीं, पैसा है, आजीजी है, इनके सारी, दैट्स नॉट बैड थिंग, बट शोइंग ऑफ एंड यू फील द सुपीरियर माशाल्लाह बींग, ये अब मैं इलीट क्लास, अपर इलीट, ओ पता नहीं इशारा है, कलाम फादी, ठीक है आगे चलते हैं। ये क्या हो गया स्टैंडर्ड ऑफ, क्या ये जरूरी है, इज इट नेसेसरी, इज इज, यानी इसके बगैर हम मर जाएंगे, हाँ अगर हम वो मोनाल में नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं मरे, कोई मसला, जिम खाने का कार्ड नहीं हो तो कोई मसला, ये नो प्रॉब्लम यार, ये नीचे वाले जिम में चले जाओ, कोई मसला नहीं, इजी सीन है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन, नीचे भी जिम है इधर, ये ना हो वो नीचे बेसमेंट में हमारा हिफ्स है वैसे। अच्छा जी, सेकंड थिंग इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, मीनिंगफुल लाइफ, क्या है, क्या मतलब है, यानी आपकी जिंदगी का कोई मकसद हो, कोई मीनिंग हो, वरना आजकल आप लोगों को पता हो एक चीज है, उसको बोलते हैं नाइलिज्म, पता है नाइलिज्म क्या होता है, नाइलिज्म सेज दैट देर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी वो बोलते हैं कि कोई जिंदगी कोई मकसद नहीं है, ऐसे जैसे वो बोलते हैं ना योलो लाइफ, यू लिव वंस, ये भी नाइलिज्म के असरात में से है। इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या है कि मेकिंग अदर्स हैप्पी, हाँ, इसी तरह रिलेशनशिप, क्या आपको पता है कि हार्वर्ड की जो सबसे लंबी स्टडी है फॉर 85 ईयर्स, हाँ उसके मैं आप लोगों को किताब भी दिखा दूंगा, 85 ईयर्स उन्होंने स्टडी किया है मुख्तलिफ, उन्होंने बोलना चाहा कि किस चीज़ से लोगों को हकीकी हैप्पीनेस आती, बोलते बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग दैट फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट डिस्ट्रैक्शन, यानी एक ताल्लुकात लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, ये असल आपको खुशी देती है, जब आपके बेटा आपका बेटी आपसे गले मिलता है, हाँ कितनी आपको एक अजीब सी कैफियत है जो नाकाबिले बयान है, है ना। इसी तरह हेल्थी एंड फिट लाइफ, ये भी आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, यानी आपकी जो जिंदगी की कैफियत है वो कैसी है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी, एंड दीज आर बेसिक थिंग्स दैट वी शुड नो, दैट वट इज़ नेसेसरी एंड वट इज़ नॉट नेसेसरी, कौन सी चीज़ ज़रूरी ज़िंदगी में से है, ज़रूरियात ज़िंदगी में से, और कौन सी चीज़ जो बस स्टाइल मारने के लिए, शोखिया मारने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं यूज़फुल वेज टू ली, हाँ यानी वो रास्ते या वो असबाब या वो रीज़न जो आपको खुशी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जैसे मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि देर आर थ्री रीजन्स, एक है दीनी रिलीजियस रीजन्स, दीनी वजूहात जिसकी वजह से आप खुशी पा सकते हैं, और एक है एक्सपेरिमेंटल। कभी कभी हमें नज़र आता है, हमें ऐसा लगता है कि यार सिर्फ मुसलमान ही खुश हो सकते हैं, कुफार हो ही नहीं सकते, है ना, हमें लगता है यार बस काफिर जहन्नम में जाएगा तो वो कभी खुश नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। देखें हकीकत ये है कि जो कामिल अकमल और अच्छी जो सही मानों में जो खुशी है वो मोमिन को मिलती है, लाशक उसमें, लेकिन दैट डजंट मीन कि काफिर को बिल्कुल कोई खुशी नहीं मिलती, देर आर सम रीजंस फॉर दैट। मसलन वो अगर जीता है मीनिंगफुल लाइफ, या वो लोगों की मदद करता है, कई ऐसे हमें मिलते हैं, अगर आप लोगों का किसी नॉन मुस्लिम के साथ इंटरेक्शन हो आप फील करते हो दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है, वी आर जजिंग फ्रॉम द आउटसाइड, we are not responsible for inside, okay? वो क्यों होता है, क्योंकि वो दूसरों की मदद करते हैं, या दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, या अपनी ज़िंदगी हेल्थी जीते हैं, अपने रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं, तो जो वो हार्वर्ड की स्टडी है वो उस बेस पे। लेकिन हम ये कहते हैं मुसलमान, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन के लिए क्या है, अजबल लिअम्रिल मोमिन, ताज्जुब है मोमिन के मामले पर, कैसे, इन असाबहू शर्रुन इन असाबतु सर्रा, हाँ अगर उसको खुशी मिले शकर तो वो शुक्रिया अदा करता है अल्लाह का, वह इन असाबतु जर्रा सबर, और अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या करता है, सबर करता है, वलैसा ज़ालिका इल्ला लिलमुमिन, और ये किसी और के लिए नहीं है सिवाय मोमिन के लिए, सो दिस थिंग इज ओनली फॉर बिलीवर्स, ठीक है ना। और उसके आगे आप लोगों को अभी हम यूजफुल जो चीज़ें हैं
वो बताएंगे कि आपको जो हैप्पीनेस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रिलीजियस मींस, नेचुरल मींस और प्रैक्टिकल मींस। प्रैक्टिकल मींस क्या है? प्रैक्टिकल वजूहात, यानी एक बंदा वर्क अल्कोहलिक है, वो अपने आप को इतना बिजी रखता है और उसी में उसको खुशी मिलती है, तो ही हैज़ सम खुशी, नॉट ऑल ऑफ इट। ठीक है, ये हमेशा जहन में रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अभी रिलीजियस मींस, जो दीनी असबाब है, हाँ, उसका भी हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है? वो है फेथ एंड गुड डीड्स, यानी ईमान और अमल सालेह। ये सबसे पहली यानी वजूहात या असबाब या रीजंस में से है, हाँ, हैप्पीनेस के। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन आमिल सालिहन, हाँ, मिन ज़करिन अव उन्था वहुव मुमिनुन। मन आमिल सालिहन, जो नेकी का अमल करता है, मिन ज़करिन, चाहे वो मर्द हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, और वो क्या हो, वहुव मुमिनुन, और वो मोमिन है, ही इज़ अ बिलीवर। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको ऐसी ज़िंदगी देंगे जो हयात क्या है, तय्यिबा हयात है। ठीक है, और वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, उनको हम क्या करेंगे, सबसे जो बेहतरीन अजर है वो अता करेंगे। अब आप मुझे बताएं, ईमान का क्या मतलब है, कौन बताएगा? हाँ, एक तो है ना ईमान जो हमने रट्टा रटाया हुआ है माशाल्लाह सोशल इस्लामिक स्टडीज़ में, बस ईमान का ये मतलब है। आप बताएं ईमान का क्या मतलब है, कौन? यकीन। और जी मर्द हजरत, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ईमान? जी हाँ बताएं, ईमान का क्या मतलब है? जी माज भाई, अच्छा यही, चले माशाल्लाह, गुड गुड आंसर। यानी ईमान, जैसे सिस्टर ने कहा, अल ईमानु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, लेकिन इसको सिर्फ रट्टा रटाया हुआ है हमने, इसको हमने क्या करना है, हजम करना है, पेट में डाल के उसको भरना है। हम अल्लम गल्लम फास्ट फूड डाल देते हैं, लेकिन ईमानी बातें पेट में डालते ही नहीं, ना दिल में डालते हैं, हाँ, और जंक फूड और जंक नॉलेज, ड्रामा शरामा पेट में डाले होते, दिल में डाले होते हैं, हत्ता कि ड्रामा नजर आए, औरतें रो रहे, मर्द भी रो रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, अभी पिछले दिनों मैंने सुना कोई ख़तरनाक ड्रामा था, लास्ट एपिसोड सिनेमा हॉल में दिखाया गया, और औरतें गिरी, मर्द रोए और बोल रहे हैं, हाँ यार ये हो गया, ये हो गया, ये हमारी हालत है। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखें कि ईमान सिर्फ बातों की चीज़ें नहीं है। जैसे सहाबी कहते थे कि कुन्ना फितियानन हजाविरा, हम अभी नौजवान किड्स, तो क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लमना अल ईमान कबल अल कुरान, अल्लाह के रसूल ने हमें क्या सिखाया, ईमान कुरान से पहले। ईमान का क्या मतलब है? मारिफतुल्लाह, हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है। अब आप ये किसी से सवाल करो वो खुद हिल जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे अंदर ईमान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अमल सालेह होना चाहिए। अमल सालेह क्या है, कौन बताएगा? हाँ, गुड डीड्स, व्हाट आर द गुड डीड्स? बिल्कुल माशाल्लाह, हाँ, अच्छे रिलेशनशिप कायम करना, हाँ, एल्डर्स की इज्जत करना, आजकल क्या है, बच्चों की इज्जत करना, वो बाप, हाँ, बच्चों के पीछे भाग रहा होता है, बच्चे से डर रहा होता है, ये नहीं कि बच्चा बाप की इज्जत करे, बाप बेटे के पीछे घूम रहा होता है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता ये अच्छी बात नहीं है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा ये जो मॉडर्न जो आजकल के सॉफ्टनेस और साइकोलॉजिकल सॉफ्टनेस भी, वीकनेस भी पैदा हो रहे हैं ना बच्चों में, कि हम बच्चों के लिए ढेर हो जाते हैं, आ जाओ मुझे ज़बह करो, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, एतदाल और बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, देखें एक और बात यह है, सवाल पैदा ये होता है कि अगर वो मोमिन है, हाँ, तो ये भी याद रखें कि ये जो ईमानी जो कैफियत है या अमल सालेह, ये सबसे अहम है, सबसे अहम है, क्योंकि
जब उसका ईमान मजबूत होगा उसका अमल अच्छा होगा, और जब उसका अमल अच्छा होगा तो उसकी दिल के अंदर मजबूती है ईमान की वजह से क्या होगा वो, हाँ वो फिर जो मुसीबतें आएंगी ज़िंदगी में उसको वो उठा सकेगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखें कि जो बंदा यानी ईमानी तौर पर मजबूत होता है और अमली तौर पर मजबूत होता है तो वो क्या होता है, वो बड़े बड़े मुश्किलात को बड़ी आसानी से अबूर कर लेता है। आपको क्या लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई तकालीफ नहीं थी, हाँ हिज लाइफ वॉज ईजी। द मोस्ट डिफिकल्ट लाइफ इन द ह्यूमन हिस्ट्री इज द लाइफ ऑफ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यू नो दैट, इट्स वेरी फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान और अमल सालेह का पहाड़ बल्कि एग्जाम्पल उसवा हसना बना के भेजा। ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे अगर आप ईमान और अमल सालेह करें तो माशाल्लाह, बल्कि ज़्यादा आएंगी, ये याद रखना। जैसे सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अशद्दुन्नासि बलाअन अल-अंबिया थुम्मल अम्सल फल-अम्सल, सबसे ज़्यादा इब्तिलाआत अम्बिया को आते हैं फिर जो ज़्यादा अल्लाह के करीब होते हैं। तो आप ये नहीं समझना कि अगर आप ईमान और अमल सालेह करेंगे तो देर विल बी नो डिफ़िकल्टीज, देर विल बी डिफ़िकल्टीज, द लाइफ इज़ अबाउट डिफ़िकल्टीज, द सेकेंड नेम ऑफ लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टीज एंड स्ट्रगल्स, यानी ज़िंदगी का दूसरा नाम है मुश्किलात, मसाइब, इब्तिलाआत। कभी ये नहीं सोचना कि दुनिया में आपको जन्नत मिल जाएगी, एवर नेवर। इसी तरह अब सवाल ये पैदा होता है, ये आप लोगों को तस्वीर नज़र आ रही है, हाँ कैसा लग रहा है, खुश है रो रहा है, हाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदा बिलीवर है या मोमिन है वो कैसे अच्छे खुशी के जो खबरें हैं उसको कैसे वो सेलिब्रेट करता है, वो आपे से बाहर हो जाता है, शराब पीता है, हाँ नहीं क्या करता है बताओ, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और क्या करता है, हाँ ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, हाँ शादियों में क्या बजते हैं, अल्लाह माफ़ करे डांस, अस्तग़फ़िरुल्लाह, किधर गई गैरत, किधर है मर्दों की गैरत, शादियों में अस्तग़फ़िरुल्लाह ऐसे डांस ऐसे ढोल, बल्कि अल्लाह माफ़ करे आजकल तो इस्लामी रैप भी आ गया है, अनकरीब इस्लामी डांस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बल्कि शायद हुआ हुआ अल्लाह वालों, है ना। तो ये क्या है, इस तरह मोमिन खुशी अपनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के मौके पे, फतह मक्का खुशी का मौका ही नहीं है, हाँ फतह मक्का बहुत बड़े माना रखते हैं रसूल सल्लम की ज़िंदगी में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से, हाँ जब वो जा रहे थे या उनको निकाला गया क्या कह रहे थे, या मक्का इन्नकिल अहब्बुल बिक़ा इला क़ल्बी, ए मक्का तू मेरे दिल के बहुत करीब है, लौला अन्न क़ौमक अख़रजूनी मा ख़रजतु, हाँ लौला अन्न क़ौमक अख़रजूनी मा ख़रजतु, अगर मेरी कौम मुझे निकालती ना तो मैं ना निकलता। कितने सालों बाद जब रसूल सल्लम मक्का आए, आजिज़ी इनकिसारी की इंतहा थी कि वो उस सवारी पर झुक गए यूं करके और अल्लाह का शुक्र अदा करते, ये नहीं कि तकब्बुराना, हाँ आजकल हमारे शादियों में क्या होता है, इधर पैसे यूं फेंकते करते नहीं करते। आजकल मैंने सुना है किसी गुंडे की शादी हुई पिछले दिनों, हुज़ैफ़ा भाई बता रहे थे, हाँ उसके शादी में ऐसे पैसे उड़ाए, या किसी उस दिन गुजरा वाला या किधर कोई शादी थी, उन्होंने ऐलान किया कि जो भी आएगा उसको पूरे पाकिस्तान से आवाम सफ़र कर गया है, क्या है ये खुशी के मकाम में इस तरह करते हैं, मोमिन इस तरह नहीं करता। मोमिन क्या करता है, सबसे पहले वो ये कहता है कि यार ये जो खुशी है किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, ठीक है। दूसरी बात वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है जैसे आप लोगों ने कहा, और तीसरी बात वो उस खुशी में शरारबूर नहीं हो जाता, ही डजंट, वो भूलता नहीं है अपना मकसद हयात, ठीक है, ये हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखें कि जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ज़ाहिरी खुशी, बाहर की खुशी, ठीक है ना, मसलन एक है इनर पीस, एक है इनर हैप्पीनेस,
एक है जो आपको बाहर दुनिया में ज़ाहरी खुशी है, उसके हम ये नहीं कहते कि उससे नहीं मिलती। जैसे सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन सआदति इब्न आदम सलासा, इब्न आदम की सआदतमंदी में से सम ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट, ठीक है। एक क्या है? एक है अल मरअतु सालिहा। अल मरअतु सालिहा क्या मतलब है इसका? नेक बीवी, हाँ नेक बीवी, ठीक है ना, नेक औरत। और वल मस्कनु सालिह, और एक एक मस्कन सालिह, यानी ऐसा घर जो रहने के मुनासिब है। तीसरा वल मरकबु सालिह, मरकब बोलते हैं सवारी, यानी ऐसी सवारी जो काबिले सवारी हो। तो ये इंसान के सआदत की वजूहात में से कुछ वजूहात हैं जो ज़ाहिरी एलिमेंट्स और आउटर जो मीनिंग्स है उसके अंदर है, ठीक है ना। ये नहीं कहते कि यार भाई साहब सिर्फ ये क्या बोलते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह के पैसा बिल्कुल ही गलत है, हाँ मौलवी साहब ख़ुद तो जाहिद होने का दावा करते और ख़ुद गाड़ी में घूम रहा है, हाँ आखिरत की याद दिलाता है और ख़ुद लैंड क्रूज़र में घूम रहा है ना। ऐसे भी लोग कहते हैं, वो कोई मसला नहीं आखिर, ईजी सीन है ब्रो, कोई मसला नहीं। यानी क्या मौलवी आलिम के लिए हराम है कि वो अच्छी गाड़ी हो उसके पास, अच्छा लिबास हो, अच्छा घर हो, क्या हरज है इसमें? कोई प्रॉब्लम? हमारा दीन कभी नहीं कहता नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा दीन कहता है, जैसे आपके सामने मैंने हदीस पढ़ी, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन अल्लाह जमील, अल्लाह ताला क्या है? जमील है। युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला को जमाल पसंद है। एक बंदे ने रसूल सल्लम से कहा, या रसूल सल्लम मैं अच्छा कपड़ा पहनना चाहता हूँ, अच्छे हाँ यानी पहनावे, तो रसूल सल्लम फरमाते हैं कोई मसला नहीं, बल्कि यह हदीस उसी मुनासिबत से है। तो ये याद रखें कि यानी हमें जो है ना जो चीज़ों की ज़रूरत है कि जब बंदा इस तरह खुशी का इजहार करता है तो उसको क्या मिलता है, ठीक है ना। जो इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि वो ना तकब्बुराना बल्कि आजिज़ी इख्तियार करता है और अल्लाह के सामने खुशी का इजहार करता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर खुश हो जाता है, ठीक है ना। वल्लाह छोटी छोटी चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश होना सीखते हैं, जब अल्लाह के सामने हम खुशी का इजहार करते हैं और अल्लाह से हम दुआ करते हैं, फिर तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद बरकात अल्लाह ताला भेजता है। और इसी तरह ये भी याद रखें, इसके बाद जो असल चीज़ है वो ये है कि जब मोमिन के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो वो कैसे उसका रिएक्ट करता है, बताएगा कोई? सब्र शुक्र करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है? हाँ वावेला, ये फाड़ देना, जितना रोगे उतने तुम्हारे नंबर हाई, हाँ जितना तुम दंगे फसाद उधर हरकतें करोगे नंबर वन। इसको असल यार ये बेटे रोते ही नहीं है, इनका दिल पत्थर है। वो देखो औरतें कितना रो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैस मिन्ना मन शक्कल जुयूब हाँ व दअ बिदअवल जाहिलिया व ज़रब सुदूर व अलवजूह, यानी हम में से वो नहीं जो मुसीबत के वक़्त अपने कपड़े फाड़ दें, अपने सीनों को मारे हाँ, या अपने मुंह को मारे, या ऐसे शिकवा शिकायत अल्लाह से करें। दा बिदावल जाहिलिया, जाहिलियत में क्या थे? वो अशार पढ़ते थे, और ऐसे अल्लाह माफ़ करे वो पढ़ने के लायक ही नहीं, उसमें अल्लाह के ऊपर एतराज़ किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक औरत बैठी हुई थी कब्र के पास, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो कहा क्या हुआ ए अम्मा? उस औरत ने देखा नहीं कि कौन है और रसूल सल्लम को झटक दिया, तो रसूल सल्लम चले गए। तो सहाबा ने कहा यार ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपने देखा नहीं? तो उनको पछतावा, फिर वो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को कहा इन्नमस्सब्रु इंदस्सदमतिल उला, सब्र हकीकत में तो तब होता है जब एकदम आपके पास नहीं जाए तो आप अपने आप को पकड़ लें। एक तो एक सब्र है मजबूरी वाला सब्र, यार और कोई ऑप्शन नहीं है तो सब्र ही करें। एक है रजामंदी वाला सब्र कि ओ अल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊ, कि ओ अल्लाह हम तुम्हारी अमानत है, वी बिलोंग टू अल्लाह, वी आर नॉट ऑनर ऑफ दिस बॉडी, अल्लाह इज द ऑनर, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने अल्लाह की तरफ वापस जाना है। तो ये जब आता है तो रजामंदी वाला सब्र,
इस तरह करता है एक मोमिन, ये याद रखें हमेशा। और ये याद रखें कि ज़िंदगी में आपको ज़रूर ज़रूर इब्तिलात से गुज़रना पड़ेगा। इब्तिलात यानी डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स लाइक माउंटेन्स, वल्लाही। लेकिन उन डिफ़िकल्टीज से आपको गुजारा ही नहीं जाएगा जो आपकी इस्तात में ना हो, ये याद रखना, ठीक है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हम यकीनन श्योर, अल्लाह इज प्रॉमिसिंग यू दैट यू विल फेस डिफिकल्टीज, यू विल फेस पेन, यू विल फेस डर, खौफ आपके आएगा जिंदगी में। और भूखी यानी ऐसा भी वक्त आएगा कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, पैसा नहीं है। वनक्स मिनल अव्वाल, कमी, पैसों की कमी। वल अनफुस व समरात, और आपके समरात में भी कमी बेशी आएगी। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आखिर में, व बशरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को क्या दियो, खुशखबरी दियो। किस चीज़ की खुशखबरी, जन्नत। दुनिया में जन्नत नहीं मिलेगी भाईजान, ये याद रखना। जितना भी पैसा आ जाए, हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी यू विल गेट द जन्ना इन दिस दुनिया। यस, देर आर समथिंग एल्स लाइक जन्ना इन दिस दुनिया, आई विल टेल यू अबाउट दैट इंशाल्लाह। अच्छा जी, जब मोमिन जो है मुसीबतों के ऊपर वो यानी सब्र करता है अल्लाह के सामने, तो उसके क्या नताइज होते हैं, कौन बताएगा? हाँ, वेन ही शो पेशेंस इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, पॉजिटिव होते हैं। आप देखते होंगे कई ऐसे बुजुर्ग, इतने बड़े बड़े मसाइल है, वो चिल घूम रहा है भाई जान, ईजी सीन है। मैं आपको अपने वालिद का किस्सा बताता हूँ। हम जब सऊदीया से आते थे तो इस्लामाबाद से स्कर्दो फ्लाइट जाती थी, आजकल तो बारिश भी हो जाती है, उस वक्त भाई जान दो दो तीन तीन घंटे एयरपोर्ट में इंतज़ार करते थे, कभी उड़ के जा रहे फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका, उस वक्त रडार शडार नहीं लगा। वालिद साहब चिल घूम रहे माशाल्लाह, कोई परेशानी, हम उधर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे। अब्बू बोलते कोई मसला नहीं बेटा, वो उधर ही बैठ जा, उधर ही लेट जा, सो जाते थे एयरपोर्ट पे, चिल सीन है। क्यों? अल्लाह वाले लोग हैं, उनके दिल में क्या है, ईमान है। वल्लाह आप देखेंगे कई हमारे बुजुर्ग इसी तरह हैं, लेकिन हम लोग आजकल की पीढ़ी, ओए होए होए होए, थोड़ा सा दर्द हो घर में किसी को सोने नहीं देना, मुझे तकलीफ है तुम सो रहे हो, हाउ इज इट पॉसिबल, है ना। उसको भी तंग करते हैं कि यार मैं बेचैन हूं तो तुम भी बेचैन हो जा, ऐसा है नहीं है। वी डोंट हैव पेशेंस, व्हाई इज दैट? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, तो बंदा जब सब्र करता है तो फिर जैसे सलमान भाई ने कहा, उसके अंदर क्या आते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिविटी होती है उसके अंदर। सेकेंडली, उसके अंदर ताकत आ जाती है, ईमानी ताकत, ईमान की वजह से। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि हाँ, दिली सुकून मिलता है। कभी क्या होता है, एक तूफान आ रहा होता है, तूफान तो सुनामी केटू के बराबर मुसीबत आ रही होती है, लेकिन आप सब्र करते हो ना, इन्नमा अल उस्र युस्रा, इट्स ऑल अबाउट द टाइम, एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये वक्त गुजर जाएगा, चाहे खुशी हो या गमी हो, ये वक्त गुजर जाएगा, ये याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो दूसरा सवाल यह है आप लोगों से, जो जिनके पास फेथ नहीं है, जो मोमिन नहीं है, ये जिनका ईमान लो है, वो कैसे खुशी को या अच्छे गुड न्यूज़ को वो सेलिब्रेट करते हैं, कौन बताएगा? डंडोरा पीटना, शराब पी के डांस में, हाँ, और दूत हो जाना और बेड़ा गरक करना अपना। ख्वातीन में से कोई बताना चाहे, हल्ला गुल्ला करना। हल्ला गुल्ला का क्या मतलब है, कौन बताएगा? यानी शोर शराबा, पटाखे और पता नहीं क्या क्या, नहीं पटाखे बुरी हो नहीं यार, हाँ, फायरवर्क्स नहीं, वो मैं कुछ कहीं और जा रहा था, अल्लाह ने रोक लिया। अच्छा जी, ठीक है। और इसी तरह जो देखो ये खबीस आदमी क्या कर रहा है, हाँ, ये गिटार बजा रहा है और शराब पी रहा है, जो भी हो, ठीक है। अब जो लो फेथ वाले हैं,
जिनका ईमान या बिलीव सिस्टम लो जा रहा है या जिनका बिलीव सिस्टम है ही नहीं, ही इज एथियस्ट, हाउ ही फेस द हार्डशिप्स, कौन बताएगा? आप में से कोई, खवातीन में से कोई या मर्द में से? सोसाइट, और बाई कंप्लेनिंग अबाउट अल्लाह, यस, ना शुक्री, कंपेरिजन। यार इलोन मस्क देखो, काफिर है, कितना पैसा उसके पास, मैं बेचारा अल्लाह का मोमिन बंदा, मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। ऐसा होता नहीं होता, वल्लाह ही कंपेयर हिमसेल्फ विद इलोन मस्क। और इसी तरह यानी खुशी में वो बेबी, खुशी में भी और गमी में भी वो अपने आप के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, ऐसा ही है ना। और वो अपने हार्डशिप्स में जिनका ईमान कमज़ोर है वो उसी में गर्क हो जाते हैं। या एक और चीज़ है, वो क्या है? गिल्ट। कुछ लोग हैं देर ऑलवेज इन गिल्ट, ऑलवेज उनके अंदर एहसास ज़म्ब, ऑलवेज वो फील करते हैं ओ ये क्या ये क्या, और अपने आप को कोसते रहते हैं, अपनी वार्ड लगाते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह वो ये समझते हैं कि मैं दूसरों से कमतर हूं, इंफ्रारिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी होता है ना। तो ये हमेशा याद रखें कि इन चीज़ों से क्या करना चाहिए, इंसान को बचना चाहिए। तो हमने पहला जो रीज़न बताया या मीन ऑफ हैप्पीनेस, अल ईमान वल अमल सालेह। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, लोगों की मदद करना। मन कान फी हाजती अखी कान अल्लाह फी हाजती। अच्छे सलूक कैसे करेगा, मुख्तलिफ है, माशाल्लाह देर आर ओशन ऑफ नॉलेज बिहाइंड दिस। बाय हेल्पिंग, बाय गुड वर्ड्स, बाय जस्ट स्माइलिंग। याखी वल्लाही मैं आपको एक हदीस में भी है कि इब्तिसामतु काफी वजह अखी का सदका। डोनेशन डजंट मीन ओनली गिविंग मनी, डोनेशन मीन आल्सो बाय स्माइलिंग। वल्लाही यू विल फील हैप्पी When you are smiling and someone is watching you and he smiles, है ना। आप जब मुस्कुराहट दिखाते हो किसी को, वो भी मुस्कुराए तो आपको खुशी होती है। वल्लाह तो हर वक्त अपने मुंह पे एक मुस्कुराहट रखे। अच्छा एक और बात है, अगर मुस्कुराहट नहीं भी आ रही तो फेक इट अंटिल यू मेक इट। सच में ये क्यों नहीं करते आप? बनावटी मुस्कुराहट नहीं भी आ रही तो करो, ये आपके उसका हिस्सा बन जाएगा। पैसों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए, फोर्स योर सेल्फ, ये आपकी आदत बन जाती है वल्लाह। और इसी तरह लोगों की मदद करें, मन कान फी हाजती अखी कान अल्लाह फी हाजती। जो अपने भाई की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसकी हाजत में पूरी करता है। और इसी तरह दूसरी हदीस, मन फर्रज अन अखी कुर्बतन फर्रज अल्लाह अन्हु कुरबन मिन कुरबि यौम अल-क़ियामा। जो अपने किसी भाई के तकलीफ और कर्बत के वक्त उसकी मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है क़ियामत के दिन। इसी तरह हैवानात को भी, आपको पता है कि एक औरत जन्नत में दाखिल हो गई किस वजह से? कुत्ते को पानी पिला के। और वो औरत कौन थी? बागिया औरत, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बदकार औरत। अल्लाह को उसकी वो नेकी इतनी पसंद आई कि वो जन्नत चली गई। इसी तरह एक औरत जन्नत में गई किस लिए? उस बिल्ली को पानी पिला के। और एक और रिवायत है, उसमें थोड़ा कलाम है कि वो एक औरत जिसने पानी नहीं पिलाया उसकी वजह से वो जहन्नम में चली गई। अब देखो ना, हैवानात के साथ भी, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ, हर किसी की मदद करें, वल्लाह सुकून मिलेगा, यू विल गेट हैप्पीनेस, ट्राई इट। हम कभी कभी दूसरों को तो वाज करते हैं, डोनेशन दियो डोनेशन दियो डोनेशन दियो, अच्छे अखलाक करो, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हमें वो नहीं होता। लेकिन कभी आप मसलन, मैं खुद, अब मैं कभी इस तरह के, अल्लाह कबूल करे, इस तरह के कोई अमल करते हैं किसी की, आपको अल्लाह, यू फील द हैप्पीनेस। आप चेक करके देखें इंशाल्लाह, आप चेक करके देखें इंशाल्लाह, अल्लाह आपको खुशी देगा। तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करना भी आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला यानी उसका अजर भी देगा। जैसे ये जो आयत है, ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदका औ मारूफ औ इस्लाह बैनन नास। लोगों में इस्लाह करना भी ये अच्छा अमल है। लाशक लोगों में इस्लाह करने बड़े फड्डे होते हैं। मेरे पास आते हैं मियाँ बीवियों के फड्डे, अल्लाह बचाए, ऐसे ऐसे फड्डे होते हैं, इंसान की दिमाग की दही बन जाती है। हाँ,
लेकिन आप कहते हो कि यार अल्लाह ताला मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, एक रुपया नहीं लेता मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मसला हल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि यार अल्लाह ने मुझे किसी के घर को टूटने से बचा लिया, या अगर घर टूट चुका है तो उसके आगे मसाइल हल करने में अल्लाह ताला हमें सबब बनाए, ठीक है ना। तो ये हमेशा जहन में रखें कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, चाहे मुस्कुराहट हो, पैसा हो, किसी भी तरीके से, इससे भी आपको खुशी मिलती है। अब ये चीज़ इट्स नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, इट्स आल्सो फॉर नॉन बिलीवर आल्सो। इफ़ समवन इज़ नॉट मुस्लिम एंड ही इज़ डूइंग सम, ही इज़ हेल्पिंग पीपल, ही विल गेट सम हैप्पीनेस। ये जहन में रखना, ये नहीं कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए भाईजान, क्योंकि हम कन्फर्म जन्नती है तो सिर्फ हमारे लिए, ऐसे नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिलीवर्स नहीं हैं लेकिन वो लोगों की मदद करते हैं, उनको हैप्पीनेस फील होती है, ठीक है ना। ये जहन में रखना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपको हैप्पीनेस और खुशी आपको रखती है वो क्या है, बिजी योर सेल्फ, अपने आप को मसरूफ रखें। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग वेले बैठे हैं है ना, वेले होते हैं, कोई काम नहीं है। साफ बात है, कुछ नौजवान बोझ बन जाते हैं वालिदैन के ऊपर और वो वेले चिल कर रहे होते हैं, और अब्बू अम्मी भी शर्म से उसको कहते नहीं कि यार वो मेरा बेटा डिप्रेशन में चल जाएगा, मेरा बेटा साइकोपैथ बन जाएगा, हाँ। और वो दिल में समझ जाते हैं बेटा बोझ बन गया है, हाँ। या जो हमारी बाज़ ख़वातीन है, दिन नो डाउट बड़ी माशाल्लाह पूरा घर चलाती है, खिदमत करती है, लेकिन दिन में फारिग टाइम होता है ना, उसमें क्या करते हैं, सुबह ड्रामे जिंदाबाद, मॉर्निंग शोज, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा चीज़ें देखते कि इंसान बोलते हैं नऊज़ु बिल्ला, है नहीं है। तो बिजी योर सेल्फ इन अ प्रोडक्टिव, इट्स नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी रिलीजियस, ये याद रखें। वी शुड नॉट लिमिट आवर सेल्फ के यार बस रिलीजियस, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्टिव इन गुड थिंग इट्स आल्सो फ्रॉम रिलीजियस। आवर माइंड सेट अबाउट रिलीजियस इज वेरी स्मॉल, वी शुड बिगिन, इसको बड़ा करना चाहिए। दीन का मफहूम बहुत बड़ा है, बहुत वसी है, उसके लिए आप किताब पढ़ें, शुअबुल ईमान लिल बेहकी, ईमान की शाखें। एक कचरा उठाना ये भी ईमान की शाख है, सफाई करना ईमान का हिस्सा है, इसी तरह ये सारे मुख्तलिफ आमाल हैं। ये सारे क्या, अगर आप रोड से जा रहे हैं, रोड में आपको नजर आ रहा बड़ा पत्थर गिरा, उसको हटाना ये भी ईमान का हिस्सा है। एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा लम तुशगिल नफ्सक फी ताअ अशगलक अश्शैतान, इफ़ यू डोंट बिजी योर सेल्फ इन वर्शिपिंग अल्लाह, शैतान विल मेक श्योर दैट यू आर बिजी इन वर्शिपिंग हिम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी अगर आप अपने आप को मसरूफ नहीं करते अल्लाह की इताअत गुजारी में, तो क्या होगा, शैतान आपको मसरूफ कर देगा अपने आमाल में। ऐसा होता नहीं होता, बहुत सारे नौजवान या हम भी कौन से हैं, ऐसे हैं कि 24 घंटे बिजी हो, टाइम थोड़ा सा निकलता है हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया जिंदाबाद, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, नशा, द बिगेस्ट नशा ऑफ दिस मॉडर्न एरा इज सोशल मीडिया, बिगेस्ट देन हीरोइन एंड दिस क्या बोलते हैं यार उसको, चरस, आइस, मुख्तलिफ अकसाम व अनवा के गजा, अल्लाह बचाए इन ड्रग्स, है नहीं वल्लाह। इसीलिए अब क्या आ गया, अब वो किताब लिखी है एक बंदे ने जिसने खुद ये बनाया है, हाँ, 10 reasons टू डिलीट योर सोशल मीडिया अकाउंट, ही रोट अ बुक, ये एक किताब है जिस बंदे ने खुद, ये जो विजुअल जो होता है ना वो उसका क्रिएटर है, सिलिकॉन वैली में रहता है, उसने एक किताब लिखी। आजकल आ गया डोपामिन फास्टिंग, आजकल आ गया सोशल मीडिया डाइटिंग, पता है आपको, सिर्फ पेट का डाइट नहीं होता, हाँ, ये क्यों, मसाइल ये उस सब के। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों में मसरूफ रहें, या बोर हो जाए, बी बोर या आखिर, व्हाट्स द प्रॉब्लम। आपको पता है जितने बड़े बड़े इन्वेंशन आए हैं वो बोर होने की वजह से आए, कैसे, बंदा लेटा हुआ है आसमान में देख रहा है, हाँ, उसको चांद सितारे नजर आ रहे हैं, हाँ, उसके जहन में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको सोच सोच के हल कर लेता है। अब हम क्या होते हैं, हम बोर ही नहीं होते, अभी छोटी बच्ची या आजकल के बच्चे मोबाइल के बगैर, ओ अम्मी मैं बोर हो रही हूँ, कोई बंदे मसला नहीं बेटा, बोर हो जाओ,
आज से आप ये कहें, वल्लाही बोलो बेटा enjoy the boring life, वल्लाही सच में कह रहा हूं, आप लोग भी बोर होना सीखें। हमने भी अपने आप को कितना बिजी कर लिया, अगर हम थोड़ा सा भी फारग टाइम मिलता है हम कोई मूवी देख लिया, कोई ड्रामा देख लिया, अल्लाह माफ करे, हाँ या सोशल मीडिया जिंदाबाद, या फड्डे करवाए आगे पीछे टोह में लग गए, ब्रो enjoy the boring life, no problem, be bored।